नमस्कार धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेहतरा शोका जी जिनकी धर्म ज्ञान पर की गई जितनी भी राजनीतिक भविष्यवाणियां है वो अब तक 100 प्रतिशत सच साबित हुई है सर एक बार फिर आपका स्वागत है नमस्कार तो सन बेत्रा जी ने साल 2012-13 में भविष्यवाणी कर दी थी कि इमरान खान ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे नतीजन सनबेरा जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई फिर उसके बाद साल 2014 में एक और भविष्यवाणी की और वो भी इमरान खान से जुड़ी थी सनबेत्रा जी ने कहा था कि 25-26 नवंबर इमरान खान के लिए 25-26 नवंबर 2019 का ये वक्त इमरान खान के लिए बेहद नाजुक है अगर ये वक्त उन्होंने पार कर लिया तो ठीक वरना उनका असैसिनेशन हो सकता है नतीजन हालात भी वही नज़र आ रहे हैं आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान में पूरी तरह फल फूल रही है इमरान खान पे अंतरराष्ट्रीय दबाव है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करें तो एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआ अब सवाल उठता है जो कि कुछ ही महीनों बाद नया साल लगने वाला है और ऐसे में भारत पाक के लिए नया साल कैसा रहेगा खासकर इमरान खान और पाकिस्तान के लिए नया साल कैसा जाने वाला है आइए जानते हैं एक बार फिर सनबिता जी से सर देखिए पाकिस्तान और इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ी अजम हैं उनकी कुंडली का विवेचन मैं कर चुका हूँ और उसमें मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये वाला जो साल है उनका ईयर एंडिंग पच्चीस ग्यारह दो हज़ार उन्नीस मुंथा अष्टम होने के कारण उनके लिए उनके देश के लिए ठीक नहीं है देश के लिए अस्थिता कारक देश में उपद्रव आतंकवादी घटनाएं और देश का के मान सम्मान पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा और वो जो है लग चुका है आपके सामने जो है फटे में उनका जो है उसे क्या बोलते हैं पहले ग्रे लिस्ट में थे अब ब्लैक लिस्ट में FATF FATF में तो वो उनका जो है उसे क्या बोलते हैं पतन तो हो रहा है लेकिन अभी जो 25 नवंबर 2019 का जो समय है उनके लिए अष्टम उन्था के कारण उनके अपने स्वास्थ्य के लिए मानसिक संतुलन के लिए उनके देश के लिए और उनकी आयु के लिए कष्टकारक है उसमें या तो आपका तख्ता पलट के चांसेस है आपका आंतरिक विद्रोह हो सकता है सैनिक विद्रोह हो सकता है या फिर अगर वो जो इंटरनेशनल उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आतंकवादी घटनाओं का जितना जो है वहाँ पे बोलबाला और जो पड़ोसी देश जो उनकी कंप्लेंट कर रहा है उसके कारण अगर उनको विघटनकारी ताकतों और आतंकवादी जो वहाँ पर आपके जो वो लोग हैं उनकी जो संगठन है उन पे अगर वो एक्शन करते हैं तो उसके कारण उनके अगेंस्ट कोई भी प्राण घातक एक्शन हो सकता है उनके द्वारा तो इसलिए उनको अपने अपनी सिक्योरिटी का सिक्योरिटी ब्लीच करके अगर निकलते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता दूसरा मैंने एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि 25 और 26 दिसंबर को छह ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं छह ग्रह जब एक राशि में होते हैं तो आप पास्ट का अगर स्टडी करते हैं छः सात या आठ ग्रह जब भी एक राशि में आए तो विश्व में कहीं ना कहीं भारी उथल पुथल लेकिन इस टाइम जो वहाँ जो योग बन रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक योग है और मैंने उसके लिए भारत की आवाम से रिक्वेस्ट भी की थी कि ये बहुत पहले कर चुका हूँ इलेक्शन से पहले कर दिए थे उन्नीस के इलेक्शन से कि आपको अपने देश का प्रधानमंत्री ऐसा चुनना जो प्रोएक्टिव हो जो प्रोएक्टिव हो और समय के हिसाब से वो तुरंत एक्शन ले सके अभी आप जो सीमा पार से जो बातें हो रही हैं जिस तरीके से उनके मंत्री और खुद इमरान खान परमाणु अटैक की धमकियां हम परमाणु देश है खोखली धमकियाँ कहें खोखली धमकियां जो दे रहे हैं खोखली नहीं ये कौम जो है जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं मैंने बहुत पहले ही इस चीज़ को भांप कर ये भविष्यवाणी कर दी थी कि देश का प्रधानमंत्री इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं और वो देश ने भारी बहुमत से माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो एक फ्रंट पे हम बिल्कुल सेव हो चुके हैं अब जो है 25 दिसंबर या 26 दिसंबर से प्लस माइनस 20 डेज पहले या 25 26 दिसंबर के 20 दिन बाद के बीच में हमारा पड़ोसी देश कोई भी घिगोनी हरकत कर सकता है इसके लिए देश को देश के सुरक्षा बलों को और देश के राजनेताओं को संचेत रहना चाहिए इवन अपोजिशन में भी जो लोग हैं उनको ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए जिसको इंटरनेशनल बॉडी के सामने पाकिस्तान जो है नमक मर्च लगा के पेश करें तो इसकी मैं भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर चुका हूँ पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी बड़ी विस्फोटक है भूखमरी के कारण वहाँ लोग परेशान हैं हर तरीके की समस्याएं आ रही हैं और बिना सोचे समझे इमरान खान जी ने जो भी डिसीजन लिए हैं टमाटर वहाँ डेढ़ सौ से चार सौ रुपये के बीच में बिक रहा है यहाँ से जो भी चीज़ें उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी बुरी हालत है यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है ड्राई फ्रूट था वो अफगानिस्तान से आ रहा है पेट्रोल से ज़्यादा तो दूध महंगा हाँ तो पेट्रोल से ज़्यादा दूध महंगा है वहाँ से कोई भी चीज़ पाकिस्तान से जो इम्पोर्ट वाली थी उस पर हमारे देश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन वहाँ जो है वो दाने दाने को तरस रहे हैं तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि जब समय खराब होता है उसकी मैं डेढ़ साल पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ अगर टाइम से उन्होंने उसका निर्णय लिया होता अभी भी समय है वो अपने देश को अपने देश की आवाम को अगर बचाना चाहते हैं तो जिहादी मानसिकता का त्याग करें जिहादी मानसिकता के लोगों को संगठनों को वहाँ पर बैन किया जाए उनको जेलों में डालें तब कहीं जाके उनकी स्थिति सुधर सकती है अदरवाइज ये वाला साल जो है पाकिस्तान से किसी भी हालत में किसी भी तरीके से उसके लिए जो है शुभ नहीं है उनको अशुभ फल ही प्राप्त होंगे रही बात पीओके की पीओके के के लिए माननीय मोदी जी ने संसद में ये कह दिया और हमारे गृह मंत्री ने ये डिक्लेयर कर दिया है माननीय अमित शाह जी ने कि भैया पीओके अब हम लेकर रहेंगे सर इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है जो कि 370 के खिलाफ 370 को लेकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कोशिश तो खूब की लेकिन हर तरफ से उसे मुंह की खानी पड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेके यूएन में लेके या फिर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी लेकिन अब जो कि आपने अभी धर्म ज्ञान पे ही कहा कि पीएम मोदी जी के लिए साल 2020 कैसा जाएगा आपने ये भी कहा कि खासकर 2020 में पीएम मोदी जी को पी एस और के इनिशियल नाम के लोगों से सचेत रहना चाहिए ऐसे में से पी नाम से तो सबसे पहले पाकिस्तान आता है क्योंकि क्या लगता है आपको 2020 में मोदी जी को पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सचेत रहना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान कोई ऐसी घिगोनी हरकत ना करे उसके लिए प्रोएक्टिव रहना है अब एक चीज़ देखिएगा <coughs> बड़ी हास्यपद स्थिति है पाकिस्तान की परिवार होता है परिवार में जो बच्चा कुछ नहीं कमाता कोई काम नहीं करता अगर वो घर में कहे कि भैया मेरे को आप अलग कर दो मेरे को अलग स्टेट दे दो मेरे को अलग मतलब मेरे को घर से अलग कर दो और मैं अपने आप कर लूँगा आप सोचो उसकी क्या हालत होगी यही हालत पाकिस्तान पाकिस्तान के लोगों की है और पाक पी ओ के पाकिस्तान द्वारा पी ए को पैम्पर किया जा रहा है और कश्मीर में जिन लोगों को पैम्पर किया जा रहा है कि ये जो है स्वायत्ता कश्मीर हमें जो है अलग स्टेट अलग उसे क्या बोलते हैं राज्य की जो बीच में मांग कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान में कश्मीर का जो वर्चस्व है जिस तरीके से उनको फाइनेंस किया जाता है जिन तरीके जिस तरीके से उनको सहायता दी जाती है आप अपने पैरों पे कदम अपने कदमों पे खड़े होने लायक नहीं है जो ये कह रहे हैं वो भी डगमगा रहे हैं उनके कदम भी डगमगा रहे हैं और उनके साथ जाने का क्या फायदा तो ये जो है कश्मीर के जो ढाई तीन आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ये आतंकवादी और विघटनकारी ताकतों ने अपने पैर जमा रखे हैं अब उनको भी उखाड़ फेंका जाएगा सर तो जाते जाते मेरा एक सवाल ये है कि जो कि आपने कहा है कि साल 2020 पाकिस्तान को शुभ नहीं देगा ऐसे में सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि साल 2020 इमरान खान के रहते हुए क्या साल 2020 के अंत तक क्या आपको लगता है सर कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे जमी बर्फ पिघल पाएगी इमरान खान के रहते हुए सर? देखिए वैसे मोदी जी को एक मौका देना चाहिए इसको लेकिन वो तभी जब वो वहां पर जो आतंकवादी संगठन आतंकवादी लोगों को जो उसने आश्रय दे रखा है जब तक उनसे वो छुटकारा नहीं पाते उन वो ये शो नहीं करते कि वाकई में अब उनकी मानसिकता वो नहीं है क्योंकि जिहादी मानसिकता वालों के साथ भारत कभी भी बातचीत नहीं करेगा और कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के पास और इमरान ख़ान के पास लास्ट ऑप्शन रहता अपनी इज़्ज़त और अपनी जान को बचाने का वो ये है कि वो किसी भी तरीके से पहले तो ये लोग जो हैं छदम वेश में जो युद्ध कर रहे थे वहाँ से आतंकवादी उसके लिए उन्होंने ऐसी बैरिकेड्स लगा दिए कि वहाँ से परिंदा भी इधर नहीं आ सकता उग्रवादी तो दूर की बात है वो एल पर ही ढेर कर रहे हैं उनको हमारी आर्मी इतनी सक्षम और इतनी हाई टेक है कि उनको वो एट द स्पॉट ही खत्म कर रहे हैं अभी जो आपने देखा कि पाकिस्तान वाले अपने बैट वालों की दो लाशें ले जाते हुए दिखाए मरे तो दस से ऊपर हैं लेकिन दो को घसीटते हुए ले जाते हुए दिखा रहे थे तो करने की पूरी कोशिश वो अब उनका जो स्ट्रेटेजी बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्योंकि यहाँ थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव है बिल्कुल ख़त्म हो गया वो ऑप्शन उनके पास रहा नहीं अब लास्ट ऑप्शन है कि भिड़ जाओ अगर वो भिड़ने की बात करते हैं कहीं पे भी उनके दिमाग में एटोमिक वार की मानसिकता से अगर कोई बात करते हैं तो इंडिया विल एक्शन एंड वी आर टोटली फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट मोदी जी विल टेक इट एट राइट टाइम चलिए सर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो इतने हमारे सन बेता जी जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है कि साल 2020 अगर वक्त रहते हुए पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया सही कदम नहीं उठाया तो साल दो पाकिस्तान के लिए अशुभ साबित हो सकता है तब तक ले मुझे यानी कि कविता को दीजिए इजाजत और धन ज्ञान के साथ आप यूं ही जुड़े रहिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को प्लीज शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा